थी सिलेट, सिलेट्स को सिलेट इसलिए किए थे क्योंकि उनकी बॉडीज पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। इस वजह से इस ग्रुप का नाम सिलिएट रखा है। ये देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसके इसलिए हम उसको सिलिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिएट। अभी इस सिलिएट्स या सीलिया का काम क्या होता है कि सीलिया या सिलिएट्स का काम ये होता है कि सिलिएट्स का लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीलिया होते हैं, इसलिए हम उसको सिलिएट्स कहते हैं। ठीक है थे? दूसरा करेक्टर इसका क्या है? दूसरा करेक्टर ये है कि इसकी बॉडी से एक कवरिंग, इसकी बॉडी के ऊपर है कवरिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। अभी पेलिकल का काम क्या होता है? पेलिकल का मेन फंक्शन ये होता है, इट स्क्वीज, इट स्क्वीज और मूव थ्रू द ऑब्स्टिकल्स। ये सीलिया जो है, सीलिएट जो है, ये स्क्वीज करते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वीज करते हैं ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल से किसके साथ? किसके साथ? ये पेलिकल के जरिए। तो टीम स्क्वीज करके मतलब फिर सीलिया को मूवमेंट देते हैं और ये इस तरह की लोकोमोशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसकी अंदर आ जाए तो इसमें दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। ये मेन करेक्टर है, एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? इसे मैं याद रख लो, माइक्रो न्यूक्लियस किसके लिए यूज होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और मैक्रो न्यूक्लियाई जो है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर विक्यूल्स भी होते हैं, फूड विक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फूड विक्यूल्स। ये फूड विक्यूल्स जब ये फूड विक्यूल्स बनाते हैं, जब एंटर हो जाते हैं सेल्स में, जब एंटर हो जाते हैं फूड सेल्स में, तो ये फूड विक्यूल में जाते हैं और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फूड को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन के जरिए होते हैं, लेकिन ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के जरिए इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कंजुगेशन के थ्रू। कंजुगेशन की क्या किस किसी कहते हैं? जब दो सेल आपस में कंजुगेट कर लेते हैं उसको हम कंजुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेशन। अब इनहिबिटेट की बात कर लेते हैं कि ये कहां पे मौजूद होते हैं सिलिएट, तो ये ज्यादातर वाटर में मौजूद होते हैं, सॉइल में मौजूद होते हैं। कहां पे मौजूद होते हैं? वाटर और सॉइल में मौजूद होते हैं। कुछ इसमें जो है पैरासाइट्स होते हैं, कुछ इसमें क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? सीरियट का पिरामिशियम है, क्या है? पिरामिशियम है। और दूसरा है बलांटिडियम कोलाई। क्या है? बलांटिडियम कोलाई। ये बलांटिडियम कोलाई रेट और पिक्स के इंटेस्टाइन में होते हैं। किसमें होते हैं? रेट और पिक्स। और ये वाहिद इसी में याद रखो कि सीरियट में ये वाहिद पेरासाइट है, ये एक ही पेरासाइट है इसे बलांटिडियम कोलाई। ये इन्फेक्शन कास करते हैं ह्यूमन बीइंग में। ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं? ये इन्फेक्शन कास होते हैं स्लॉटर हाउस में, जो लोग काम करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन कास करते हैं। क्या करते हैं? इन्फेक्शन। तो आपने याद करना होगा कि सिलिएट्स को सिलिएट क्यों कहते हैं, सिलिएट्स को सिलिएट क्यों कहते हैं, और इसके बॉडी के ऊपर क्या है? पेलिकल से। इसके बॉडी के ऊपर क्या है? पेलिकल से। इसके अंदर दो किस्म की न्यूक्लिया, एक माइक्रो न्यूक्लिया और दूसरा मैक्रो न्यूक्लिया। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? फूड विक्यूल से। रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है? एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। ठीक है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन। एग्जांपल इसकी क्या है? प्लांटिडियम कोलाई पिरामिशियम। और इसका हैबिटेट क्या है? ठीक है ना? और वाहिद वाहिद इसमें एक जो है वो पेरासाइट है, वो क्या है? प्लांटिडियम कोलाई। ठीक है।